सूत जी बोले, मुने जो मनुष्य पापी दुराचारी खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पुण्यता नाश हो जाता है। पहले की बात है, कई किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने